हेलो एम एस सी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे पे, okay? तो देखिए ना आई आर पे, हम पे, पे हमने बात करनी है जस्ट ए बी टू लिखा है बट आपके सिलेबस में दिया होगा सेप एंड सिमिट्री ऑफ ए बी टू ए बी थ्री एंड एबी फोर टाइप के मॉलिक्यूल तो यानी कि आपने आज के लेक्चर पे क्या पढ़ना है आप पर्टिकुलरली ए बी टू टाइप के मॉलिक्यूल के बेसिस पे पढ़ेंगे पढ़े बट

एक है आपका ओ और दो है आपके एच ये ऐसा ही नहीं लग रहा आपको ओ को अगर मैं ए बोल दू और एच टू को अगर मैं बी टू बोल दू तो ये दोनों क्या बन जाएगा ए बी टू तो बन गया ना तो ऐसे मॉलिक्यूल जैसे आपका एच टू हो गया ओके okay? जैसे आपका एच थी नंबर ऑफ एटम कितने इसमें कितने है? थ्री है तो एच टू एबी टू में कितने है? थ्री है इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फॉर्मूला क्या हो सकता है एबी टू टाइप का है इन मॉलिक्यूल के बारे में हमने क्या पढ़ना है पहले आप उनकी शेप बताएंगे देन आप उनकी सिमिट्री बताएंगे एंड देन उसके बाद आप उनका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएंगे कि किस रेंज में वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं आपको पता है आप आर के अंदर ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि आपके मॉलिक्यूल तो क्या पक्का पक्का वाइब्रेट करता है ठीक है थीके? वो वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन की भी अलग अलग मोड होता है ये सारे तो मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ जैसे आपका क्या होता है बैंडिंग वाइब्रेशन होती है मे बी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है स्ट्रेचिंग में भी दो है सिमिट्रिक असीमेट्रिक और बैंडिंग में तो फिर कितने टाइप्स है तो ये सारे टाइप्स में से आपका मॉलिक्यूल किस टाइप का वाइब्रेशन शो कर रहा है वो भी आपने लास्टली एक्सप्लेन करना है इतनी चीज क्लियर है तो आपको मैंने इतना तो बता दिया कि आपने क्या क्या पढ़ना है तो अब हम सिंपली चीजों को स्टार्ट कर लेते हैं ओके okay? तो देखिए आज हम सारी बातें किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे A, B, तो आप सिंपली ये समझ गए मतलब क्या है? ए बी टू आपका एक फॉर्मेट है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल बिलोंग होंगे आप ऐसा समझ सकते हैं ये एक फॉर्मूला है जैसे हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं ए बी जैसे मैंने बोला ए बी एन ओके ए बी एन बोला इसका मतलब क्या होगा ए भी आपका कोई मॉलिक्यूल एटम हो सकता है बी भी आपका कोई भी एटम हो सकता है एन है कोई भी नंबर हो सकता है वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है समझ में वैसे ए बी टू आपका फॉर्मूला है इसके अंदर आपके नंबर ऑफ एटम आएंगे जिनका फॉर्मूला आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा जैसे मोला बोला एच टू हो एच टू में देखिए ऑक्सीजन एक है हाइड्रोजन दो है यानी

चार आपके हो गए कार्बन मतलब यहाँ ये चार आपके हो गए बी और एक हो गया आपका ए यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने फाइव और इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं फाइव यानी कि जो आपका मिथेन मॉलिक्यूल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है एक टाइप का एबी फोर मॉलिक्यूल है इतनी चीज क्लियर है तो ये तो आपको मालूम है ओके तो हम सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को देखो बहुत ईजी है आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा ओके तो देखिए ना ऐसा बोल रहा है पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन बोल रही हूँ सारे लेक्चर्स पर जैसे अभी ए बी टू के बारे में बोल रही हूँ में ये चीजें नहीं बताऊंगी एबी फोर में भी नहीं बताऊंगी एबी टू में जस्ट बता रही हूँ ओके okay? तो ये बोल रहा है देखो आपको पता है as we know that ए बी टू ए बी थ्री एंड ए ये तीनों क्या है ये एक टाइप के पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं देखो पॉली मतलब होता है बहुत सारा एटमिक मतलब होता है एटम अगर आपके क्या कोई भी मॉलिक्यूल में आपको पता है मॉलिक्यूल है तो वो एटम के कॉम्बिनेशन से तो बनेंगे जब एटम और एटम कंबाइन करता है तो क्या बनाता है मॉलिक्यूल बनाता है तो ये बोल रहे हैं जब आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या हो पॉली हो पॉली मतलब बहुत ज्यादा जैसे तीन चार पाँच दो से ज्यादा ओके तीन चार पांच कुछ भी हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप बोलते हैं पॉली एटमिक मॉलिक्यूल तो यहाँ आपका ए बी टू ए बी थ्री एंड एबी फोर वो क्या है एक टाइप का पॉली एटमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है तीन यहाँ पे है आपके चार यहां पे आपके पांच तो आप देखिए मैंने क्या बोला तीन या फिर तीन से ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीएटमिक और आपका जो ये दो है दो वाला क्या होगा दो और एक देखो आपका पता है दो एटम होंगे मतलब जब आपके पास दो एटम है दो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेंगे लेकिन दो दो एटम एटम को क्या बोलते हैं आप डाई एटमिक जब आपका एटम कितना हो दो. और अगर एक एटम है तो ऑब्वियस बात है एक एटम तो कभी मॉलिक्यूल बताएगा नहीं जैसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं अब इससे हाइड्रोजन बोलूंगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बोलूंगी लेकिन हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होगी एच टू बनाएगा तो इसे मैं बोलती हूँ एच टू मोलिक्यूल हाइड्रोजन नहीं कहते ये बोलते हैं एच टू मॉलिक्यूल एन टू मोलिक्यूल इसे मैं बोलूंगी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जब दूसरा नाइट्रोजन अटैच होगा हम इसे क्या बोलेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसका मतलब क्या है जो मॉलिक्यूल है ये आपके डाईटमिक मॉलिक्यूल है और ये जो मॉलिक्यूल हमने वॉडर मिथेन वगैरह पढ़ते हैं आप आगे को ये सारे मॉलिक्यूल आप होते हैं पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल ओके अब मैं ये क्यों बता रही हूँ ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रीवियस लेक्चर्स बताए थे वहां भी मैंने आपको ये चीज बताया था जो आपके दो टाइप के मॉलिक्यूल आप कंसिडर कर रहे हैं एक है आपका डाइएटमिक एक है आपका पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल तो मैंने क्या बोला अगर आप डाइएमिक मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन या फिर आप बोल सकते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन को निकालेंगे तो डायटमिक के केस में हमेशा फंडामेंटल वाइब्रेशन एक के इक्वल होता है ओके okay? अब बोलेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशन

कि आपका मॉलिक्यूल जो आपका ग्राउंड स्टेट था ये आपको जो ग्राउंड लेवल था ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल यानी कि वी जीरो जो वाइब्रेशन लेवल था उससे शिफ्ट होके पहले वाइब्रेशनल लेवल यानी कि पहला एक्साइटेड स्टेट देखो ये आपका ग्राउंड स्टेट होता है नीचे वाला इसके ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट होते हैं और पहला इसे क्या बोलेंगे सबसे पहले वाले को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसे बोलेंगे सेकंड इसे बोलेंगे थर्ड ओके okay? तो अगर आपका क्या है मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वाइब्रेट हुआ तो इस केस में जो वाइब्रेशन होता है इसे बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन तो जनरली ऐसा देखा जाता है जो आपके डाई एटमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होता है एक होता है मैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेकिन पॉली एटमिक मॉलिक्यूल केस में यहाँ पर फंडामेंटल वाइब्रेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे इसका मतलब क्या है अगर आपके पास एक ही वाइब्रेशन है देन उसमें क्या है कौन सा देखो वाइब्रेशन है आपको ये चीज तो पता है ओके लेकिन मैंने क्या बोला वाइब्रेशन की भी टाइप होता है मोड ऑफ वाइब्रेशन आपने पढ़ा हुआ है मोड ऑफ वाइब्रेशन तभी जरूरी है क्योंकि आपको पता है वाइब्रेशन होना ही काफी नहीं है वाइब्रेशन की भी अलग अलग टाइप क्योंकि वाइब्रेशन भी अलग अलग टाइप से होंगे ओके तो जब आपके डायटमिक मॉलिक्यूल में एक ही वाइब्रेशन हो रहा है तो उसका मोड क्या देखना सिंपल सी बात है लेकिन पॉलिएटमिक मॉलिक्यूल में बहुत सारे वाइब्रेशन होते हैं तीन हो सकते हैं चार बार वाइब्रेशन हो सकता है पांच टाइप का वाइब्रेशन हो सकता है तो अगर आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन 5 है तो आप इनमें क्लासिफाई भी तो कर सकते हैं कि क्या ये वाइब्रेशन आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है क्या ये आपका बेंडिंग है अगर स्ट्रेचिंग है तो क्या ये सिमेट्रिकल है या फिर असिमेट्रिकल है ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी यहाँ के केस पे यानी कि ab2 ab3 ab4 टाइप के मॉलिक्यूल में और आपको क्या करना होगा बताना होगा कि आपका मॉलिक्यूल में किस टाइप का वाइब्रेशन है ओके okay? और आप ये चीज कैलकुलेट कैसे करेंगे आपको पता है हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करके ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहां मैंने आपको बताया था बट अभी भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवाऊंगी ओके okay? तो इतनी चीज समझ में आई अब देखो हम अब प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं इंट्रो मैंने आपको बता दिया मैं हर लेक्चर पे पर चीज नहीं बताऊंगी अभी मैंने आपको बता दिया थोड़ा टाइम लिया है बट एक्सप्लेन कर दिया ओके अब आपने क्या करना है सबसे पहले आप अपने एबी टू टाइप के मॉलिक्यूल का शेप और सिमिट्री की बात करेंगे शेप कहां से

देखो होना ab2 टाइप का जो मॉलिक्यूल है वो आपको दो टाइप का शेप देता है आपका दो टाइप का शेप कैसा हो सकता है देखो आपका क्या है ab2 है ab2 ओके okay, ये है देखो ये ab2 मतलब एक ये a एटम है दो आपके b एटम है ओके okay? अगर आप इनको अरेंज करेंगे तो आप इन्हें एक लीनियर फॉर्म में ही तो अरेंज कर सकते हैं इनसे कोई दूसरा स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं जा सकता एक स्ट्रक्चर और बनता इनसे वो है बेंट कैसे देखो अगर आपने क्या कर दिया इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा टिल्ट कर दिया तो ये आपका बैंक स्ट्रक्चर बन गया तो बताइए क्या इससे ज्यादा कोई स्ट्रक्चर ही बना सकता है ना आपका कोई इससे क्या होगा ना आपका कोई ट्राइंगल बन सकता है ना कोई प्लेनर स्ट्रक्चर बन सकता है ना टेट्राहेड्रल बन सकता है और बाकी ऑक्टाडल टेट्रा हेडल ये सारे तो कॉम्प्लेक्स हो गए बट आपके पास अगर तीन आइटम है तो आप सिर्फ दो टाइप के स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं एक हो गया लीनियर और एक हो गया अगर आपने लीनियर के दो आइटम को थोड़ा टिल्ट कर दिया तो ये बन गया आपका बैंक स्ट्रक्चर ओके और आपको एक्जाम्पल भी पता है सिंपल से एग्जांपल हो जाता है कौन-कौन से जैसे मैं बोलूं CO2 है CO2 भी तो क्या है एक टाइप का AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है क्यों क्योंकि नंबर ऑफ एटम इसमें भी कितने हैं तीन है और इसमें भी कितने हैं तीन ओके और अगर आप CO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको CO2 कुछ ऐसा मिलता है इसका मतलब क्या हुआ CO2 एक टाइप का क्या है लीनियर मॉलिक्यूल है डन हुआ इतना लेकिन देखो कुछ एग्जाम्पल है जो आपके बेंट भी शो करते हैं जैसे मैं बोलू H2O, okay? H2O जो मॉलिक्यूल है, है? है लेकिन बताते हुए चलूंगी क्योंकि देखो अगर आप एच का स्ट्रक्चर बनाओगे ना आप अभी भी ऐसा ही चाह रहे कि ऑक्सीजन आपने सेंटर पर लगा दिए दो हाइड्रोजन लगा दिए जैसे यहाँ था ओके okay? लेकिन इसका स्ट्रक्चर बैंक बन जाएगा कैसे क्योंकि देखो यहाँ पे जो कार्बन आइटम है कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पे

ऐसा ना बनाने लगे सिंपल लगे इसलिए हम उसे ऐसा दिखाते हैं बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है इन दोनों कॉर्नर पे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपने आप को क्या करता है स्टेबल करके जितना भी डिस्टेंस कैरी करते हैं वो मतलब समझ में आ रहा ना ये इतना पूरा एरिया कैरी करेंगे जहां पर कोई इनका इलेक्ट्रॉन स्टेबल फील करेगा अगर आप इन दोनों को पास पास लाएंगे तो ये दोनों रिपेल करेंगे तो ये इस हद तक एक दूसरे को रिपेल करते हैं जब तक ये एक दूसरे को स्टेबल ना करते तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा अब ये दोनों स्टेबल है ओके अब देखो क्योंकि डिस्टेंस में अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो सकता है बट आप बताइए यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन क्या है इतना दूर आ गया यहाँ पे आ गया है इसके इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो हाइड्रोजन इनके पास भी तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है अब तो क्या होगा देखो बोन्दिं, बॉन्डिंग बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ने तो रिपल्शन किया अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन भी तो रिपल करेगा जिसकी वजह से क्या होता है हाइड्रोजन अपने को यहाँ नहीं रखना चाहता ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है और यहाँ पर कुछ शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या है एबी टू टाइप का मॉलिक्यूल आपको एक और टाइप का शेप देता है जो है है आपका शेप इतनी चीज क्लियर है. तो आप क्या बोलेंगे जनरली जो एबी टू टाइप के मॉलिक्यूल है वो दो टाइप का स्ट्रक्चर आपको सॉरी स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते आप इसे बोलेंगे शेप ओके okay? तो दो टाइप का शेप आपको देता है एक होता है आपका लीनियर शेप एक होता है बैंड मैंने रीजन भी बता दिया आपको एग्जाम्पल भी दे दिए तो आप यहाँ पर इसके साथ साथ एग्जाम्पल के फॉर्म में सीओ टू और यहाँ पर को एच टू भी बता सकते हैं और रीजन भी बता दिया तो वो और ज्यादा सोने पर सुहागा टाइप का छोटा सा एरिया बनाना यहाँ पर को कॉर्नर पे और इसका रीजन भी बता दीजिएगा ओके okay, तो इतनी चीज क्लियर है अब आगे बढ़ते तो आपने शेप बता दिया ओके okay? अब मैं आपको इनका बताती हूँ सिमेट्री ओके तो देखो ना सिमेट्री कैसे पता चलेगी मैंने बोला पॉइंट ग्रुप की हेल्प हेल्प से पॉइंट ग्रुप क्या कराता है आपकी सिमेट्री सिमेट्री को की, की यूज करके ऑफ अ मॉलिक्यूल बताता है ओके okay? लेकिन पॉइंट ग्रुप के निकालने से पहले आपने क्या करना होगा इनका रिप्रेजेंटेशन देखना होगा अब आप बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन क्या है रिप्रेजेंटेशन आपको ये बोलेगा कि देखो जब सपोज मैं इनको थोड़ा सा इरेज करके आपको बताती हूँ सपोज मैं आपको ये बोलूँ की आपके पास क्या है एक ए बी टू टाइप का मॉलिक्यूल है ओके ए बी टू टाइप का मॉलिक्यूल है ओके okay? अब आप बताइए ये चीज पक्की कहीं लिखी हुई है कि यहां पर जो ए है ये एज अ सेंट्रल एटम बिहेव करेगा और ये जो बी टू है ये एज अ सराउंडिंग एटम बिहेव करेंगे नहीं अगर मैं एच टू बोलू तो आप बोलेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन ही एज अ सेंटर मेटल बिहेव करेगा सीओ टू बोलो तो आप बोलेंगे यहाँ पर कार्बन ही करेगा बट ए बी टू तो एक रिप्रेजेंटेशन है एबी टू में कोई एटम पर्टिकुलरली नहीं बोला गया कि ये ए ही एज अ सेंट्रल एटम बिहेव करेगा बी एज अ सराउंडिंग एटम बिहेव करेगा तो आप क्या कर सकते हैं ए को भी एज अ सेंट्रल एटम बिहेव करा सकते हैं बी को भी तो इसी के बेसिस पर आप इन्हें अलग अलग वे में अरेंज कर सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे मैंने लिख दिया एबी टू ओके तो देखो अगर आपका लीनियर मॉलिक्यूल है तो पहले केस में मैं कह रही हूँ कि देखो आपको पता चल गया ना दो शेप में ये एग्जिस्ट करता है तो पहले केस में हम ये बना रहे हैं कि

तो ये का है ना b b- b'' ऐसा तो नहीं बोला दोनों भी आपके एक ही टाइप के अगर ये a b c कहा होता तब आप बोलते कि एक बार आपने b को सेंटर आइटम बनाया एक बार a को और एक बार c को बट ऐसा नहीं कहे आपसे क्या बोला है ab2 इसका मतलब दोनों भी आपके इक्वल है आप कोई भी b को एज अ सेंटर आइटम बिहेव कराइए बात बराबरी है इसका मतलब क्या होगा आपके पास सिर्फ दो स्ट्रक्चर मिले दो आपको रिप्रेजेंटेशन मिले लीनियर के लिए अब आप क्या करेंगे? दोनों सिखाऊंगी कैसे निकलेगा एक बार लेंगे एक बार सेंट्रल मेटल आइटम एज लेंगे बाकी जो बचे हुए आइटम्स है उनको एज अ सराउंडिंग आइटम की तरह बिहेव कराएंगे क्लियर है अब आगे बढ़िए अब हम बात करते हैं पॉइंट ग्रुप है ओके तो देखिए पॉइंट ग्रुप आपका लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करा चुकी है और इम्पोर्टेंट

मतलब इस मॉलिक्यूल में ये ये पॉइंट सिमिट्री एलिमेंट प्रेजेंट है पांचों में से कौन सी सिमिट्री एलिमेंट प्रेजेंट है ओके okay. अब देखो अब आपने क्या करना है क्योंकि सबके सब प्रेजेंट सब नहीं होती कोई प्रेजेंट होगी कोई नहीं होगी ओके okay. अब आपने ऐसे करके पॉइंट ग्रुप निकालना है पॉइंट ग्रुप पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते मैं आपको सिंपली बता कि कैसे कैसे आपने पॉइंट ग्रुप निकाले ओके okay? तो देखो मैं क्या बताती हूँ जनरली ऐसा बोला जाता है जो आपका लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं इन लीनियर मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिट्री मैंने क्या बोला एलिमेंट ऑफ सिमिट्री की बेसिस पे पॉइंट ग्रुप निकलता है तो बोला जाता है कि जो आपका लीनियर मॉलिक्यूल है इनमें अगर आप सिमिट्री एलिमेंट को आप चेक करेंगे आपको इनफाइनाइट नंबर के सिमिट्री एलिमेंट मिलेगी मतलब आपको है तो पांच टाइप के बट ये पांचों कोई भी कोऑर्डिनेट से आपकी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आपकी कॉर्डिनेटिनेट वाई कॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोई भी कोऑर्डिनेट से अर, लग सकती है ओके okay? यानी कि अगर आप यहाँ पर को लगाएंगे तो आपको इनफाइनाइट नंबर के सिमेट्री एलिमेंट मिलेंगे ओके okay? और बोला जाता है अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है तो इसमें इनफाइनाइट नंबर के सिमेट्री एलिमेंट है तो इनफाइनाइट नंबर के सिमेट्री एलिमेंट के बेसिस पे इसको जनरली दो टाइप के पॉइंट ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है एक होता है आपका डी इन्फिनिटी है एक होता है आपका सी

और उस सेंटर एटम के आगे गए पीछे गए ऊपर गए नीचे गए तो अगर आपको जब आप आगे गए जो एटम मिला वही जब आप पीछे जाएंगे वही एटम मिला इट मीन आप बोलेंगे वहां पर को सेंटर ऑफ सिमेट्री है अगर आप ऊपर गए आपको वही एटम मिला पीछे गए आपको वही एटम मिला इट मीन्स वहां पर को सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो लीनियर के केस पे आपको आगे पीछे मिलेंगे बट ऊपर नीचे नहीं मिलेंगे क्योंकि लीनियर तो यही हुआ ना सिंपल लाइन ओके ये हुआ लीनियर तो यहाँ पे क्या है अगर आपको आगे जो एलिमेंट मिल रहा है वही आपको पीछे मिलेगा जो आपको एटम आगे

लीनियर है आपको अपने सेंटर पे जाना है सेंटर से आगे जाएंगे आपको मिला बी

ठीक है सी टू एक्सेस ऑफ रोटेशन है ओके और दूसरी चीज क्या है इसमें क्या है एक सिग्मा भी, भी मतलब क्या है वर्टिकल प्लेन है प्लेन को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं आपने पढ़ा है तो ये क्या है आपका एक सिग्मा सिग्मावी प्लेन है बट सिग्मा प्लेन भी आपका एक नहीं है कितना है मैंने बार बार बताया था यहाँ पर को देखो ये सी एन वी हो सकता था ये जो एन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉर्नर आपकी जो आइटम मॉलिक्यूलर प्रेजेंट है यहाँ पर देखो दो कॉर्नर है ये दो भी है एज अ कॉर्नर ओके तो दो कॉर्नर है तो आपने इसका बोला सी टू बोला तो देखो मैंने यहाँ सी टू बोला ये भी आपका सीटू है ओके okay? और जो नंबर ऑफ सिग्मा भी है वो भी आपके दो होंगे एक सिग्मा भी ये लिखा दूसरा सिग्मा भी, सिग्मा भी और आइडेंटिटी तो आपकी हर जगह प्रेजेंट ही होती है चाहे हो असिमेट्री हो आइडेंटिटी हर जगह प्रेजेंट होगी ओके okay? इसका मतलब क्या हुआ ये मॉलिक्यूल में आप देखिए अगर मैं इसे बीस से कट करूं बीस से कट नहीं बीस से मैं इसे रोटेट करूं तो आपको मिलेगा कि आफ्टर रोटेशन रोटेशन भी आप कितनी बार कराएंगे जितने नंबर का एन होता है दो बार आप रोटेशन कराएंगे कौन से एंगल से कराएंगे वो भी आपको पता चल जाता है क्या करते हैं थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई एन और एन की प्लेस पे क्या लिखते हैं यहाँ पर जो आपका कॉर्नर आता है एन कितना है दो तो अगर यहाँ टू लिखेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री यानी कि आपने 180, 180 का दो बार इसमें रोटेशन कराना है आफ्टर रोटेशन आपको सेम ही मॉलिक्यूल मिलेगा इसलिए ये चीज मिलेगा आप ट्राई करके देख सकते हैं आपको ये ही मिलेगा इसका मतलब यहाँ पर को सी टू एक्सेस तो है उसके साथ साथ यहाँ पर को आपको दो सिग्मा भी मिलेगा ये ट्रिक है मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में भी बताया था तो ये ट्रिक है कि आपको कैसे पता चला सिग्मा भी आपके दो है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ये जो एन की वैल्यू वो टू है इसकी वजह से सिग्मा वी भी, भी आ गया टू इसलिए अगर आप इन तीनों ये चारों सिमेट्री एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो तीनों चारों सिमेट्री एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से आपका पॉइंट ग्रुप निकलता है सी टू बी इट मींस इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा सी टू बी ओके इस केस में देखो आपको यहाँ पर को क्या है? सीएस पॉइंट ग्रुप बोला है सीएस पॉइंट ग्रुप पे क्या है ना आपको रोटेशन देखना होता है कुछ नहीं देखना होता क्यों क्योंकि देखो अगर आप यहाँ रोटेशन कराएंगे तो आपके कॉर्नर्स वाले एलिमेंट अलग अलग है आफ्टर रोटेशन रोटेशन आपको सेम चीज नहीं मिल पाएगी ओके इसलिए क्या होगा वगैरह कुछ नहीं होता मतलब ये बोलता है कि आप इसके अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो ये आपको आइडेंटिकल मिरर इमेज देगी मतलब आपने इसका मिरर इमेज बनाया तो क्या होगा ये आइडेंटिकली तो देगी इसका मतलब इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाता है सीएस ओके तो देखिए पॉइंट ग्रुप आपको ध्यान पे है तो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा लेकिन अगर आपको

लीनियर की केस पर आप सीओ टू ले सकते हैं एस ले सकते हैं ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए लीनियर एबी टू टाइप के बैंट एबी टू टाइप के एग्जाम्पल SO2. SO2 आपका, सल्फर सल्फर आपका टिल्ट हो जाएगा ठीक है नॉर्मल नहीं होगा ये क्या है रिपल्शन कराएगा आपका बॉन्ड नॉर्मली क्या होगा नॉर्मल ना रह के थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा रिपल्शन की वजह से दूसरा वाटर मैंने आपको बता दिया ओके अब आपने इन दोनों में से एक एक का एग्जाम्पल उठा के क्या बनाना है वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को बताना है ओके अब देखो पहले हम बात करें लीनियर केस के लीनियर बी टू टाइप मॉलिक्यूल जो है आपका सीओ टू ओके तो इनके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको क्या करना है मैंने एक लेक्चर भी पर पर पर्टिकुलरली बनाया हुआ था ओके okay? तो देखिए CO2 के लिए आपने क्या है नंबर ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी मतलब वाइब्रेशन निकालना है उसके बाद कौन सा वाइब्रेशन है मोड ऑफ वाइब्रेशन बहुत सारी चीजें हम चेक करेंगे ओके तो कैसे निकालते हैं मैंने क्या बोला था देखो आपको एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूले पे आप ध्यान में दीजिए ये फॉर्मुला होता है जनरली ऐसा बोलते हैं कि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका थ्री एन माइनस वन और बैंड के लिए सॉरी लीनियर हाँ बैंड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका थ्री एन माइनस सिक्स यानी कि लीनियर का होता है थ्री एन माइनस फाइव और बैंड का होता है थ्री थ्री एन माइनस सिक्स ओके बट आप फॉर्मूले पे ध्यान मत दीजिए आप जस्ट इतना समझ लीजिए कि आपका जो मॉलिक्यूल होता है ना मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है वो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलती है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3n के इक्वल होती है अभी ध्यान से सुनना क्योंकि इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ मॉलिक्यूल ओके ये चीज समझ पाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल होती है 3n के ओके और 3n इक्वल होता है आपकी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने ओके okay, अब देखो पहले मैं कुछ ये चीज समझाती हूं कि देखो यहां पे जो एन है इसका मतलब क्या है एन होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आपके मॉलिक्यूल में कितने नंबर के एटम है ओके okay. इसको आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे थ्री से हमेशा ओके और ये है आपका टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब आपके मॉलिक्यूल में देखो तीन टाइप के वाइब्रेशन देखे जाते हैं एक होता है सॉरी तीन टाइप के बोल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम देखे जाते हैं सॉरी ये टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन नहीं बोलना चाहिए मुझे ये बोलना चाहिए टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ओके तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन टाइप के होता है एक होता है ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होता है आपका वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ओके अब देखो इनमें से क्या है

सारी चीजें आपको नोन है थ्री की वैल्यू तो थ्री है एन क्या है एटम होगा, आपको मॉलिक्यूल पता है तो नंबर ऑफ एटम आप निकाल लेंगे उसके बाद तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको दो की वैल्यू नोन है ट्रांसलेशन रोटेशन की तो वाइब्रेशन को निकालना कितना ईजी है तो क्या करोगे देखो मैं सीओ के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो देखो सीओ क्या बोलेगा यहां पर मैं लिखती हूँ थ्री इज इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओके तो यहाँ पर देखो सीओ टू में नंबर ऑफ एटम कितना है बात है तीन है तो आप इसे क्या करेंगे 3 3, ये आई थिंक दिख नहीं रही होगी मैं इससे लिख लेती हूँ क्या होगा थ्री इंटू थ्री क्योंकि नंबर ऑफ एटम भी थ्री है और यह, ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो भी आपका थ्री ओके okay. तो थ्री इंटू थ्री इज इकल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है ट्रांसलेशन रोटेशन वाइब्रेशन जिसमें मैंने बोला ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए हमेशा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन होती है रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है दो अब ये क्यों होती है मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो पर्टिकुलर लेक्चर बन रहा था वहां भी मैंने बताया था ट्रांसलेशन क्या बताती है आपके पास कितनी साइड है मूव uh, करने के लिए ओके okay? तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता तीन कोऑर्डिनेट होते हैं तो हमेशा आपका चाहे मोलिक्यूल लीनियर हो बेंट हो आपके पास हमेशा तीन कॉर्डिनेट रहेंगे तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा आपके तीन ही रहते है चाहे आप लीनियर की बात करें चाहे आप बेंट की बात करें देख लीजिए ओके okay? लेकिन रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका जो है वो इसके केस केस में के में लीनियर के दो होता है और बैंड के केस में तीन होता है क्यों क्योंकि रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये बताता है कि है कि कि मॉलिक्यूल कितने वे में रोटेट कर सकता अलग अलग वे में कितनी बार रोटेट कर सकता है तो आपने इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे नहीं पूछा गया आपसे क्या पूछा गया उस पर ध्यान दीजिए तो आपको रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिल जाएंगी दो ओके okay. तो अगर यहाँ पर को देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में दो की वैल्यू आपको पता है थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव और यहाँ पर एक होती है आपकी वाइब्रेशन जिसकी वैल्यू आपको नहीं है नोन ओके अब आप क्या करेंगे इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स कैसे निकलेगा थ्री इंटू थ्री हो गया नाइन सॉरी तीन यहाँ थ्री इन थ्री कितना हो गया नाइन और इक्वल टू क्या होगा फाइव यहाँ हो गया प्लस एक्स एक्स तो की वैल्यू क्या हो जाएगी Obviously बात है जाएगीव टू तो क्या हो जाएगा आपका फोर इसका मतलब आपके मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं कितना इजी से है बट देखो अब हमारा मेन काम है हमने देखना है कि इनमें से जो आपका वाइब्रेशन नंबर क्या है चार है बट इनमें से आपका कौन सा वाइब्रेशन है रोटेशन है सॉरी आपका कौन सा टाइप का वाइब्रेशन है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या फिर आपका बेंडिंग वाइब्रेशन है ओके okay? तो आप कैसे पता करेंगे तो आपने बस ऐसा करना है देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ देखो जो आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है ना वो किसके इक्वल होता है पता है आपको आपका ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है देखो जो ये आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है ये इक्वल होता है n माइनस वन के जो आपकी n की वैल्यू है उसमें से आप एक को माइनस कर दो जो आएगा वो होगा आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन तो आपकी एन की वैल्यू कितनी है थ्री तो आपने कह दिया दे, देखो एन की वैल्यू कितनी है थ्री ओके तो आप थ्री माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा आ गया आपका टू यानी कि आपके पास दो तो है आपके पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन तो बैंडिंग वाइब्रेशन वाइब्रेशन क्या होंगे टोटल वाइब्रेशन है आपके चार जिसमें से दो है आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन तो बचे हुए दो क्या हो जाएंगे आपके बैंडिंग वाइब्रेशन कितनी इजी सी बात है तो आपको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज फोर जिसमें से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपके दो और बैंड वाइब्रेशन तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ सीओ टू का केस ओके तो देखो सीओ टू के केस में मैंने क्या बोला वही चीज मैं आपको बताऊंगी चार टाइप के वाइब्रेशन होंगे चार के चार मैंने यहाँ दिखा है एक दो तीन चार ओके तो चार टाइप का वाइब्रेशन दिखा रही है सीओ टू मॉलिक्यूल में जिसमें से मैंने बोला दो स्ट्रेचिंग दो वाइब्रेशन आप देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल में ये सी डबल बॉन्ड ओ है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या बोलता है अगर आपका क्या होगा बॉन्ड लेंथ में कोई भी चेंज आएगा तो उसे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अगर बॉन्ड एंगल में आए तो ये होगा बेंडिंग वाइब्रेशन अब मैं इसको इतना नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर में सारी चीजें बता चुकी हूँ ओके तो देखो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपकी क्या है ये दोनों है ए और बी आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और सी एंड डी आपके बैंडिंग वाइब्रेशन तो ये भी दो हो गए ये भी दो हो गए इतनी चीज क्लियर है अब देखो ये जो अब देखो ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो आप निकाल ली बट इनमें से क्या होगा कुछ वाइब्रेशन आपके आई आर एक्टिव होंगे कुछ वाइब्रेशन आई आर इनएक्टिव होंगे वो भी कैसे प्रिडिक्ट करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप जब आपने वाइब्रेशन कराया तो उस केस में क्या होगा आपका मॉलिक्यूल को आप आई आर एक्टिव कहेंगे यानी कि उस मॉलिक्यूल के लिए आप आई आर रिस्पेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं अदरवाइज आपका मॉलिक्यूल ने जब आप वाइब्रेशन करा रहे हैं उतना डायपोल मूवमेंट चेंज नहीं किया उस केस में आपका मॉलिक्यूल क्या

इसको भी इंक्रीज करा अब बताइए दोनों इक्वल लग रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका डायपोल मूवमेंट जनरेट हुआ ये डायपोल मूवमेंट इस डायपोल मूवमेंट को कर देगा कैंसिल कैसे क्योंकि देखो आपने क्या किया सिमिट्रिक क्या बोलता है आपने सिमिट्रिकली स्ट्रेचिंग करानी जैसे आपने यहाँ कराई सिमिलरली यहाँ यानी कि जो ऐसा है ये आपका ऐसा शिफ्ट हो जाएगा दोनों के केस में क्या होगा बॉन्डलेन डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा इसका जो डायपोल मूवमेंट जनरेट हुआ और इसका जो डायपोल मूवमेंट जनरेट हुआ है तो यहाँ पर लेकिन दो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया मे बी आपने स्ट्रेचिंग यहाँ को की मतलब एक्सटेंड किया मे बी आपने कंप्रेस किया तो यहाँ कंप्रेशन दिखा है यहाँ पर एक्सपेंशन दिखाया ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर को क्या है आपका डायपोल मूवमेंट चेंज नहीं हो रहा यानी कि डायपोल मोमेंट किसके इक्वल है जीरो तो आपका सेलेक्शन रूल क्या बोलता है अगर डायपोल मूवमेंट जीरो इस केस में क्या होगा आपका मॉलिक्यूल आई आर इनेक्टिव तो ये जो okay? तो वाइब्रेशन है इसके लिए इनेक्टिव तो है इसके लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी इतनी चीज क्लियर है अगला देखो अगला है आपका ये सेकंड ओके okay? अब आप देखो ये आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ही है क्योंकि दो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होनी चाहिए ये भी आपकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बट ये वाइब्रेशन क्या आपकी असिमेट्रिक देखो एक केस में क्या है ये आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ा रहा है ये वाली घटा रहा है देखो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो क्या होगा ये वाली बॉन्ड लेंथ तो बढ़ गई ओके ये देखो इसने आपको स्ट्रेच किया लेकिन ये कंप्रेस कर रहा है इसकी बॉन्ड लेंथ घट गई ओके यानी कि इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा वो इसके डायपोल मूवमेंट के इक्वल नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर को डायपोल मूवमेंट बिल्कुल चेंज हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट क्या होगा जीरो के इक्वल नहीं होगा और यहाँ पर सिलेक्शन रूल फॉलो हो गया डायपोल मूवमेंट जब जीरो नहीं होगा इट मीन ये कंपाउंड क्या होगा ये वाला जो वाइब्रेशन है ये होगा आई एक्टिव और इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो होती है ट्वेंटी पर सेंटीमीटर सारी वैल्यू आपके पर सेंटीमीटर में लेनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इतनी चीज क्लियर है अब देखो दो तो हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ले लिया दो हम लोग बैंडिंग वाइब्रेशन लेते हैं तो बैंडिंग में क्या करते हैं आप अपने बॉन्ड बॉन्ड एंगल के अला टिल्ट करते हैं चीजों को ठीक है तो देखो पहले केस पे क्या कर रहा है ये ऑक्सीजन को ऊपर की ओर खींच रहा है और कार्बन को नीचे की ओर टिल्ट कर, कर, कर रहा है यानी कि बॉन्ड एंगल को चेंज कर रहा है यानी कि ऑक्सीजन को दोनों केस ने क्या कर रखा है ऊपर की ओर खींचा देखो ऊपर की ओर कार्बन को नीचे की ओर ओके तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ओके इसका मतलब यहां भी आपका डायपोल मूवमेंट बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इनका डायपोल क्या है ऊपर को लग रहा है ये नीचे को लग रहा है ठीक है तो इनका डायपोल मूवमेंट भी इक्वल नहीं होगा यानी कि यहां भी डायपोल मूवमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा ओके अगर डायपोल मूवमेंट जीरो के इक्वल नहीं है यानी कि ये वाइब्रेशन भी आपका आई आर एक्टिव है और इसके लिए भी आप वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं और सिमिलरली इसके लिए भी निकालेंगे देखो ये दोनों क्या है एक दूसरे का जस्ट उल्टा है देखो यहाँ पर क्या किया है आपने दोनों ऑक्सीजन को ऊपर की ओर खींचे यहां पर आप इनको नीचे की ओर खींच रहे हैं यहाँ कार्बन को नीचे की ओर खींचा है यहाँ कार्बन को ऊपर की ओर खींच रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर को जो है आपका वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी

आपके जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं वो थ्री एन के इक्वल होता है यानी कि ये जो थ्री एन है वो किसके इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो आपको पता है यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो क्या है नंबर ऑफ एटम जो आपके सिस्टम में प्रेजेंट है तो आपके मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम है तीन एक एस का और दो ऑक्सीजन का तो थ्री इंटू थ्री और ये जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल है वाइब्रेशन रोटेशन और आपका ये ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के ओके तो देखो ट्रांसलेशन की वैल्यू गिवन है थ्री रोटेशन की वैल्यू गिवन है थ्री और वाइब्रेशन की आपको पता नहीं है इसे आपने कैलकुलेट करनी है तो कैसे होगा तो थ्री प्लस थ्री तो आपको गिवन है ए एक की एक्स आपको गिवन नहीं है क्योंकि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यही तो है तो ये इसके एक पर हो गया ओके अब आप बताइए थ्री इंटू थ्री हो गया नाइन और यहाँ पर वो क्या है थ्री और थ्री क्या हो गया सिक्स प्लस हो गया आपका एक्स

Okay. अब जो जो लास्ट लास्ट वाला वाला ये ये आपका होगा क्योंकि क्योंकि हमारा कितना आया था One. Okay. लेकिन आप देखेंगे भी भी इसका भी पहला केस क्या क्यों हो रही है वो सिमेट्रिकल हो रही है तो दोनों क्या होगी दोनों की लेंथ एक ही साथ घटेगी दोनों की ये दोनों लेंथ क्या है एक साथ घटेंगी भी और एक ही साथ बढ़ेंगी भी क्योंकि स्ट्रेचिंग के सेम ही डायरेक्शन में हो रही है ओके okay. जिसकी वजह से क्या होगा ये कंपाउंड आपका क्या होगा इसको भी आप आई आर इनेक्टिव कहेंगे इनकी क्या होगा इनका इनका डायपोल मूवमेंट भी क्या होगा यहाँ पर कुछ जीरो हो जाएगा ओके अब देखो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते क्योंकि ये वाइब्रे वो है आई आर इनेक्टिव ठीक है तो अगले केस में देखो दूसरा केस है दूसरे में क्या होगा आपकी पहले सिमेट्रिक दिखा दी अब आप असिमेट्रिक दिखाएंगे अस्यमेट्रिक के केस में क्या होता है एक बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है घटती है घटती कैसी होगी ऐसे घटेगी ठीक है तो देखिए ये वाली आपकी घट रही है ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है ऊपर को जा रही है यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर का बीच का बॉन्ड घट रहा है लेकिन यहां पर को बॉन्ड क्या हो रहा है बढ़ रहा है ये देखो तो इसका डायपोल मूवमेंट और इसका डायपोल मूवमेंट कभी भी इक्वल नहीं होगा तो डायपोल मूवमेंट क्या है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा इस मीन आई आर एक्टिव है इसके लिए आप प्लॉट करा बना सकते हैं आई आर का और इसके लिए जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी न्यू इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड नाइनटीन पर सेंटीमीटर ओके और लास्ट हो गया आपका बैंडिंग वाइब्रेशन बैंडिंग में आपको बता है बॉन्ड एंगल के अला आपकी स्ट्रेचिंग करानी होती है सॉरी वाइब्रेशन कराना होता है तो देखिए एक में आप एस ऊपर को कर रहे हैं और इनको देखो बॉन्ड एंगल ही तो अफेक्ट होगा ना एस को आपने ऊपर को कर दिया ये हो गया ऑक्सीजन आपका थोड़ा पास आ गया ये वाला ऑक्सीजन भी एक दूसरे के पास आ गया तो बॉन्ड एंगल पहले ऐसा था अब बॉन्ड एंगल ऐसा सीजरिंग टाइप का हुआ यहां को है यहाँ पर दो आइटम एक दूसरे के क्लोज आए ओके तो मोड ऑफ वाइब्रेशन मैंने आपको पढ़ा है जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर को अगेन क्या होगा आपका बॉन्ड जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा ये बेसिक तो समझ रहे हैं जिसकी वजह से क्या है ये आपका आई आर एक्टिव इसे आप कंसिडर करेंगे और अगर आई आर एक्टिव है तो इसके लिए वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी क्या है एटीन हंड्रेड सिक्सटी वन पर सेंटीमीटर के रेंज में मिलेगी ठीक है तो आपने क्या करना है बस दो एक्साम्पल की हेल्प से आप ये चीजें एक्सप्लेन कीजिए पहले नंबर

कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा तो अभी हम लेक्चर को यही फिनिश करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर तब तक के लिए बाय बाय